हमारे राहुल गांधी जी ने गारंटी दी अपने साइन कर जीतेगी जीतेगी मेरा। बहन शैलजा हमारे सिरसा लोकसभा से उतरी है तो उनको हम विजयी बनाएंगे और उनको दिल्ली बिठाएंगे और अपनी आवाज को उठाएंगे। हमारा कंपटीशन भाजपा से नहीं रहा, हमारा कंपटीशन आज ब्लॉक बाई ब्लॉक और विधानसभा से है। कौन ज्यादा लीड देगा? बीजेपी का जो जुमला है ना 400 पार, उसको ही गठरी बनाकर गंदे नाले में डुबोना, गंगा में भी नहीं गंदे नाले में डुबोएंगे उसको, और इनकी सबकी जमानत जब्त होगी और यहाँ से बहन शैलजा 5 लाख प्लस वोटों से जीतेंगी। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार कुमारी शैलजा के प्रचार के लिए लगातार जो लोग हैं कार्यकर्ता है वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जनसमर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें जाखल ब्लॉक की तो यहाँ पर संजय जी यहाँ पर पहुंचे हैं कुमारी शैलजा के लिए वोटों की अपील करें, वार्ड नंबर 5 में इस वक्त है और ये डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। जी हाँ, जानना चाहूँगी आपसे किस तरह का समर्थन आपको ये जाखल में देखने को मिल रहा है? उम्मीद से ज़्यादा, जिस तरह की हमारी उम्मीद थी। बहन कुमारी शैलजा जी ने हमारी ड्यूटी लगाई है जाखल ब्लॉक में। सरसा लोकसभा की सीट बहन कुमारी शैलजा जीत रही है, वाकई में हमारे दिल को भी खुशी है भाई। हम बहन जी के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और लोगों का जनसमर्थन, लोगों का प्यार देखकर दिल गदगद है और जाखल के सभी लोगों को, माताओं को, बहनों को, युवाओं को दिल से बधाई देता हूं। आप लोगों ने हमारा इतना बड़ा समर्थन दिया और उम्मीद करता हूं ये जनसमर्थन वोटों के रूप में बदलेगा और एक नया इतिहास, नई चीज़ आप लोग बहन जी को देंगे। और जिस तरह से आज पिछले 3 दिन से मैं जाखल के लोगों के बीच हूँ, मुझे लगता है मैं यहाँ पता नहीं कितने सालों से रह रहा हूँ। इनका अपार प्यार, इसके लिए मैं दिल से सभी जाखल वासियों का धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ बहन जी के साथ साथ मेरा भी मान सम्मान रखेंगे। जी, आपके बीच में आए हैं अलग अलग प्रत्याशी भी आपके लोग में आपके बीच में आ रहे हैं, तो क्या फर्क लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा फर्क है। जीतेगी लाजमी जीतेगी मेरे हाथ से। क्यों शैलजा ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? नहीं ऐसे है, वो उसकी ये संचा ज़्यादा हो रही है, सारी दुनिया पर जा खूब उसके साथ है। अच्छा, सारी दुनिया पर जा साथ है उसका। जी, भारी समर्थन इसे कांग्रेस का देखा जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि 25 मई को जब वोट डलेंगे तब कुमारी शैलजा के खाते में कितने वोट डलेंगे। जी ये बताइए, आज आप चुनाव प्रचार कर रहे कुमारी शैलजा के लिए क्या कहेंगे? पहले सबसे पहले मैं अपने इलाका वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारी बहन कुमारी शैलजा जी 20 साल बाद जो कि हमारे एरिया में आए हैं, अपने घर में वापसी आए हैं। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं क्योंकि उन्होंने अपना एरिया संभाला है और उनकी लोड़ है, यहाँ जरूरत है हमें। और मैं यही कहूँगा कि हमारे इलाका वासियों को आने वाली 25 तारीख को आप अपना एक एक कीमती वोट हाथ के निशान के ऊपर लगाकर बहन कुमारी शैलजा जी को कामयाब करें। और इसमें कामयाब राहुल जी की कामयाबी और कांग्रेस पार्टी की कामयाबी है। पूर्व कांग्रेसी पार्षद विकास कामरा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, वो लगातार डोर टू डोर जाकर कुमारी शैलजा के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस विजयी हो रही है और लोगों का उत्साह देखकर 2009 और 4 की आंधी याद आ गई और हमारी बहन शैलजा जाखल ब्लॉक से, टोहाना से हमारा कंपटीशन भाजपा से नहीं रहा, हमारा कंपटीशन आज ब्लॉक बाई ब्लॉक और विधानसभा से है। भी कौन ज़्यादा लीड देगा? मैं सभी अपने 5 नंबर वार्ड के क्षेत्रवासियों से यही अपील करना चाहूँगा, परसों शाम को 6:30 बजे अनाज मंडी में मैडम शैलजा जी यहाँ पर पहुँच रही हैं और उनके विचार सुनने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए मैं सारे क्षेत्रवासियों से, सारी जाखल मंडी वासियों से ये अपील कर रहा हूँ, जोर शोर लगाकर मैडम जी का स्वागत करें ताकि ये जो अंधी गूंगी बहरी सरकार, ये आवाज़ टोहाना क्षेत्र की, जाखल की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद। संजय जी आपके बीच में आए हैं, उनके नेतृत्व में आप लोग प्रचार कर रहे हैं, क्या कहना है कि उनका नेतृत्व कितना रंग लाएगा? नहीं, मैडम जी ने उनको जिम्मेवारी सौंपी है जाखल ब्लॉक की। संजय जी पूरी मेहनत कर रहे हैं, प्रभारी हैं, उन्होंने पानीपत क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा है तो उनका बहुत अच्छा अपना एक रुतबा है और एक्सपीरियंस है, वो सब कांग्रेस को, सारे लोगों को मिल रहे हैं और आगे लेकर चल रहे हैं।
आदमी पार्टी के युवा नेता आदित्य बंसल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, वार्ड नंबर 5 में इस वक्त मौजूद है। जी, अगर प्रचार शुरू हो गया इंडिया गठबंधन के लिए, कैसे देखते हैं? देखिए, लोगों का भरपूर समर्थन और प्यार आप देख रहे हैं कि जो एक घर से एक बच्चा, आप जो बुजुर्ग हमारे साथी जुड़े हुए हैं, उनके साथ छोटे युवा, हमारी मातृशक्ति, हर किसी का भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है। और इन सब ने ठान लिया है कि इस बार बीजेपी का जो जुमला है ना 400 पार, उसको ही गठरी बनाकर गंदे नाले में डुबोना है। गंगा में भी नहीं, गंदे नाले में डुबोएंगे उसको, और इनकी सबकी जमानत जब्त होगी और यहाँ से बहन शैलजा 5 लाख+ वोटों से जीतेंगी। और हमारे जाखल क्षेत्र की, मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र का नेतृत्व करूँगा, उसकी बात करूँगा, हमारे लोकसभा क्षेत्र सिरसा की आवाज़ को बुलंद करेंगी। जो हमारी किसानों की समस्याएँ हैं, मजदूरों की समस्याएँ, व्यापारी भाइयों की समस्याएँ हैं, इन सबको पुरजोर तरीके से अगर हमें उठाना है तो आज इंडिया गठबंधन ही एक विकल्प है, जिसकी प्रत्याशी बहन शैलजा हमारे सिरसा लोकसभा से उतरी हैं, तो उनको हम विजयी बनाएंगे और उनको दिल्ली बिठाएंगे और अपनी आवाज़ को उठाएंगे। आपका अर्जी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में क्या लगता है कि कितने वोट इस बार कुमारी शैलजा के खाते में जाएंगे? देखिए, भाई संजय अग्रवाल जी को यहाँ पे ड्यूटी दी गई है, जो हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने हमें जो कमान सौंपी है, जो ड्यूटी दिया, हम उसे पुरजोर तरीके से निभा रहे हैं। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात हमने पहले भी कहा कि जो गठबंधन का धर्म है, हम उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और इस क्षेत्र से बहन शैलजा को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। जाखल ब्लॉक की तरफ से भरपूर समर्थन कुमारी शैलजा की तरफ देखा जा सकता है। अब देखने वाले बात होगी कि 25 मई को जब चुनाव होंगे, वोटिंग होगी, तब कुमारी शैलजा को कितने वोट मिलेंगे। कैमरामैन धर्मपाल सक्सेना के साथ में शिवानी हंस, A1 हरियाणा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।